गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरिणी प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तरिणी प्रसाद। तो दोस्तों अब कुछ दिन हो गए मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, लगभग 1 महीना। तो आज तारीख 13 है, तो मैं 17 को छोड़ रहा था, जो सितंबर 17 है। क्यों ना गाइस, मेरा थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं था, मैं थोड़ा बाहर में हूँ, ये मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर आया। बहुत इंटरेस्टिंग है वीडियो मेरे साथ, वीडियो में एंटेक बने रही है यार। जो रीज़न था, मैं कुछ दिन हो गया वीडियो नहीं बना रहा था, इसका रीज़न है देखे कितना, 1 मंथ हो गया, 1 मंथ हो गया मैं मेरा वीडियो नहीं सेंड किया हूँ। तो क्या करते हैं, थोड़ा मैं बैठ लेता हूँ, प्लीज़ मैं मेरा जो दिक्कत है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 14 तारीख को शूटिंग आया था, मेरे पापा जो मेरे माँ काम कर रहे दुकान में, उसका वीडियो बनाया था, मिक्सचर सेव जो है उसके लिए मैं वीडियो बनाया था, ठीक है। इसके बाद मेरा थोड़ा प्लानिंग था, ये वो करना है, 2-3 प्लेसेस था, जो 17 उसके बाद मेरा शूटिंग था, लगभग 3 वीडियो, मिनिमम 3 वीडियो या 4 वीडियो ये अब सितंबर लास्ट तक मैं पोस्ट कर देता था। बट क्या होना, मेरे को थोड़ा प्रेशर हो गया, ये था कि मेरा शूटिंग वीडियो का शूटिंग जो प्लानिंग था ये तो बर्बाद होने के लिए जा रहा था, इस टेंशन है। और मैं अब जो जहाँ पे हूँ, तो मैं कभी यहाँ पे जॉइन हो गया हूँ, लेकिन यहाँ पे किस कोई भी लोगों को मैं पहचान तो नहीं हूँ। यहाँ पे आऊँगा और रहूँगा कैसे, कैसे पढ़ाई करेंगे, कहाँ पे रहेंगे, खाने के लिए क्या है, ये जो हॉस्टल सुविधा क्या है, इसके लिए मैं थोड़ा इधर उधर हो गया, तो मेरे को ज़्यादा प्रेशर हो गया, टेंशन में ना, मेरा तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा बुखार हो गया था। 21-22 में मेरा तबीयत बिगड़ने लगा, 25-26 तक मेरे को बाहर से अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर से मैं थोड़ा वीक था। मेरे को 400 या 500 किलोमीटर सफ़र करना था, तो गाइस इतना दूर आऊँगा, मेरा तबीयत भी अच्छा नहीं है, और मैं मेरा हॉस्टल की लाइफ है, मैं कभी ये स्पेंड नहीं किया हूँ, तो मैं थोड़ा घबरा गया हूँ, आऊँगा कैसे। और हमारा एग्ज़ाम भी था सेमिस्टर का, तो वो कैसे कंप्लीट करूँगा, इस चक्कर में मेरे को थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गया। तो गाइस थोड़ा बुरा मत मानिए, बोरिंग भी मत, मैंने चाहा कि थोड़ा मेरा तबीयत अच्छा हो जाए, उसके बाद मैं कॉलेज जाऊंगा और क्लास भी करूंगा और एग्ज़ाम भी दूंगा। इसीलिए मैं 29 में बस में बैठा और मेरे जो डेस्टिनेशन था, मैं जो जहाँ पे हूँ वहाँ पे मैं आकर पहुँचा, और उसके बाद थोड़ा एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गया। अब तो दशहरा छुट्टी है, तो हमको छुट्टी मिला है 12 से 15 या 16 तक, तो ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं अभी जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, तो बहुत पास ही है, तो मेरे साथ मेरे मामा जी आए, तो मेरे मामा जी को मैं वेलकम कर रहा हूँ मेरे चैनल में। तो चलिए मैं अब दुकान में, गांधीनगर में, मैं बरमपुर में ही इसको खरीदने आ रहा हूँ, तो चलिए मेरे साथ वीडियो में आगे बने रहिए। तो फ्रेंड्स मैं अभी दुकान के पास में हूँ, तो अब हम अंदर जाएंगे तो देखेंगे। तो दोस्तों मैं अभी दुकान के अंदर में हूँ, इसका अनबॉक्सिंग अब प्रदीप भाई कर रहे हैं। मैं बरमपुर में हूँ, अभी लैपटॉप निकालेंगे, ये हमारा डेल का लैपटॉप है, G15 5510 मॉडल है इसका। तो भाई अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे भी। ये मैं ऐसे ही नहीं लाया हूँ, इसको लाने के लिए मैं 2 से 3 महीना थोड़ा इंटरनेट में सर्च किया, उसके बाद मेरे को कौन सा लैपटॉप चाहिए कम दाम में, मेरे को कौन सा अच्छा रहेगा, इसको सोच कर मैं ये लैपटॉप लाया हूँ, डिसीजन किया हूँ, और ये भी अब लूँगा। तो इसके साथ क्या क्या है, तो अभी मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ, बट मैं जब घर जाऊँगा वहाँ पे आपको एक एक करके अच्छे से दिखाऊँगा, और आप लोगों को मैं बताऊँगा इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। तो दुकान में है, दुकान में सब आप जितना चाहे मैं उतना ही मैं आपको ट्राई करूँगा कि सब कुछ यहाँ पर कम्प्लीट करने के लिए। तो देखिए गाइस, व्हाट अ नाइस लुक, वाओ बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये डेल का ओपनिंग है, इसका लाइट जो है ये रेड कलर, रेड ऑरेंज का
दोनों का मिलन है। तो क्या उम्र का मालूम नहीं, जितना लगता है मुझको ये है, थोड़ा ऑरेंज और रेड का बीचों बीच में है। अब आप लोग देख सकते हैं ये है मेरे लैपटॉप का होम पेज, अभी ऑन हो गया है। तो अभी दुकानदार कुछ डिफॉल्ट सेटिंग करेंगे, ये जो हर लैपटॉप जो इनसे परचेस करते हैं तो ये कुछ डिफॉल्ट सेटिंग करके देते हैं, तो मेरा भी ये कुछ करेंगे। जो इसका SSD का स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ा ये सेटिंग कर लेंगे। तो ये है दुकान इनका। तो गाइज मैं बोल देता हूँ, मैं ब्रह्मपुर के गांधीनगर के नगर में हूँ। ये है राजीव भाई का दुकान है, राजीव कंप्यूटर। मैं दुकान के डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसके लिए कोई वरी मत है ना, मोबाइल नंबर भी दे दूँगा। तो फ्रेंड्स अभी हमारा ये जो खरीदना ख़त्म हो गया है, तो मैंने ये परचेस कर लिया है। तो मैं अभी मेरे मामा जी के अभी गांव जा रहा हूँ। सुबह से कुछ खाया था लेकिन थोड़ा सा खाया था, टाइम 3 हो गया है, मैं खाया नहीं, तो इसलिए थोड़ा जाकर टिफिन कर लेते हैं, उसके बाद हम जा। तो गाइज हमारा भी खाना ख़त्म हो गया है, तो अब थोड़ा स्ट्रिंग पी लेते, उसके बाद हम आगे हमारा सफ़र बढ़ाएंगे और जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी ये शाम का टाइम है, तो अभी सनसेट हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हम जाएंगे सन को देखकर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे और एक अगली वीडियो में।